हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक रेसिपी। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है ये। केवल इसके लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक है आलू बॉईल किया हुआ और दूसरा है दही। तो अगर आपके पास सब्जी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब्जी नहीं ला पाते हैं, तो अगर आपके घर में सब्जी नहीं है और आपको सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ थोड़ा सा जल्दी में बनाना है सिंपल सा, तो आप ये दही और आलू से इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, एक बार जरूर बनाएं। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद है। ये मेरे मायके की फेमस रेसिपी है इटावा की तरफ की। तो ये हमारे यहाँ तो हफ्ते में दो बार जरूर बन जाती है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें आप, और बहुत ही जल्दी बनती है, क्विक रेसिपी है ये। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अपनी इस रेसिपी को और शेयर करती हूँ आप सब लोगों से। तो जरूर कमेंट करके बताइए, शेयर करके सबको कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं रसोई में और देखते हैं कि कैसे बनती है ये रेसिपी। तो सबसे पहले तो हम अपने आलू को बॉईल कर लेंगे। तो मैंने बॉईल करने के लिए आलू रख दिया है और हमें चाहिए दही, बस दो ही चीज़ें चाहिए इसके लिए, और ये झटपट रेसिपी बनने वाली है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आलू को बॉईल किया था, 4 से 5 आलू थे मेरे, उसको मैंने हाथों से फोड़ लिया है छीलकर इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, उसको हाथों से बड़े बड़े टुकड़ों में फोड़ लेना है। और मैंने लिया है एक बर्तन में 2 कप दही, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बेसन। ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना है इसमें, केवल 2 चम्मच बेसन बहुत सफिशियंट है इसके लिए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ उसमें पानी। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है पहले ही इस बर्तन में, तीनों चीज़ों को ऐड करके 1-2 मिनट के लिए हम इसको फेंटेंगे, ताकि ये इसमें बर्तन में कुकर में जाने के बाद फटे नहीं। अगर हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे तो हमें बाद में चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसकी मेन टिप है कि हमें इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेना है, दही पानी और 2 चम्मच बेसन को। करीब 4 से 5 आलू लिए हैं मैंने, उसको हाथों से फोड़ के रखा है। बस ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं, दही का जो मिक्सर है वो, और हमारे बॉयल के आलू। मैंने कुकर चढ़ा दिया था पहले ही गर्म करने के लिए, तो कुकर लगभग गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल, करीब 1/2 चम्मच। जितना हम तड़के के लिए यूज़ करते हैं हमें उतना ही तेल यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करना है। जब हमारा कुकर गर्म हो जाए तब हमें इसमें तेल डालेंगे। तो देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, करीब 1/2 चम्मच के करीब तेल डाला है इसमें। अब तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें डालना है जीरा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है ये। और कुछ जैसे खट्टा फ्लेवर होता है कढ़ी का, वैसा ही फ्लेवर आता है इसका, लेकिन कढ़ी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी रेसिपी बनने वाली है। मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड किया है, 1 चम्मच के करीब, कम लग रहा था मुझे, क्योंकि आलू मेरे ज़्यादा हैं थोड़े से, तो मुझे इसमें फ्राई करने हैं इसी तेल में। तेल हो गया गर्म, अब मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा चटक गया, उसके बाद डालेंगे हींग, और जब हींग डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अब हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, और कोई मसाला इसमें नहीं पड़ेगा, केवल हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पड़ेगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो हम सिंपल तरीके से ही इसको बना रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू बॉईल किए हुए, जो हाथों से फोड़ के रखे थे मैंने। अब हम इस मसाले में आलू को फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि आलू के अंदर हल्दी और जीरे और मिर्च का फ्लेवर चला जाए, अच्छे से भुन जाए ये मसाले के साथ। तो हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेना है।
तो लगभग मेरा मसाला और आलू भुन चुका है इस तरीके से देखिए। आलू के अंदर हमारा जो है हल्दी और मिर्च का फ्लेवर चला गया है। अब हम इसमें अपना मिक्सचर ऐड करेंगे, जो हमने दही पानी और बेसन का फेंट के रखा था उसको ऐड कर देना है। आलू फ्राई करने के बाद पानी ऐड करेंगे अब इसमें लास्ट में। इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड होगा क्योंकि ये पकते पकते करीब 20 मिनट हमें इसको पकाना है, तो ये पकते पकते अपने आप ही बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसको बहुत पतला बनाएंगे अभी, तो पानी खूब ज़्यादा ऐड करना है। इस तरीके से इतना पतला रखना है क्योंकि ये बनते बनते लगभग आधा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है ये बहुत ज़्यादा। जैसा हमारी कढ़ी होती है सेम वही प्रोसीजर है इसका भी। तो अब हमें इसको 20 मिनट के लिए पका लेना है। अभी हम करेंगे फ्लेम को हाई ताकि हमें उबाल लाना है जल्दी, तो हाई फ्लेम पे हम एक दो मिनट के लिए वेट करेंगे। अभी हमें यहाँ से हटना नहीं है क्योंकि अगर उबाल आ जाएगा तो ये कुकर के बाहर आ सकता है, तो जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक हमें यहाँ पे वेट करना है एक दो मिनट के लिए। इस टाइम हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जल्दी उबाल आ जाए, और अगर हम इस टाइम को इसको छोड़ के चले जाएंगे तो ये पूरा बह जाएगा ऊपर, कुकर के बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से हटना नहीं है जब तक ये उबाल नहीं आ जाता। अब हमारे जो है इसमें बुलबुले बबल्स जो है आप देख सकते हैं आने लगे हैं, तो इसका मतलब ये उबल चुका है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। करीब 15 मिनट ही पक चुका है, तो इस तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया आप देख सकते हैं। हमने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि ये जब कम हो जाता है उसके बाद हमें नमक ऐड करना है। अगर हम पहले ही नमक ऐड कर देंगे तो ये फट जाएगा, और दूसरी चीज़ है कि नमक हमारा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उबलते उबलते हो जाता है थोड़ा सा कम और गाढ़ा, तो इसलिए हम बाद में इसमें नमक ऐड करेंगे। जब ये लगभग हमारा 90% बन चुका होगा तब हमें नमक ऐड करना है। तो ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं पकाना है इसको, लगभग 20 मिनट ही पकाना है क्योंकि ये ठंडा हो गए बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा फिर। तो मेरी सब्जी जो है ये मट्ठे के आलू की बनकर रेडी हो गई है 20 मिनट के बाद। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप देख सकें कि कितना पतला और कितना गाढ़ा रखना है इसको। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये और बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें कोई भी काटा पीटी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सब्जी काटने का मन नहीं है, सब्जी है नहीं घर में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एक बार, और ये लगभग कढ़ी जैसा टेस्ट आता है इसका। अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे फ्रेश धनिया से, तो मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। अभी ये गर्म है तो इसमें धनिया अच्छे से मिक्स हो जाएगा, गर्मी गर्म होगी सब्जी तभी हमें इसमें धनिया ऐड कर देना है। उतारने के बाद इसको मिक्स कर दे रही हूँ मैं, इस तरीके की है इसकी, इतना पतला बनाया है मैंने। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हमें इसमें नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से है, और मैंने बाद में इसमें रोटी या चावल से इसको सर्व किया है। तो बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।